सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम पे मैं हूं तोहिन आपके साथ. स्टैंड अप एंड बजाओ चल रहा है. एंड जॉइनिंग मी टुडे इज एन एक्टर कॉमेडियन टेलीविजन पर्सनालिटी द लिविंग लेजेंड सुरेश मेनन. थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया. बैठ जाइए प्लीज भाई साहब. आप क्या कर रहे हैं, बैठ जाइए प्लीज. बहुत अरे पैर मत छूइएगा. थैंक यू, मजा आ रहा है. हाँ. सर आपकी त्वचा ऐसा फीलिंग था. हाँ, आपकी त्वचा से आपकी उम्र का पता ही नहीं लगता. मतलब क्या कोई जरूरत नहीं, आगे बढ़िए. यू मैरिड विद टू चिल्ड्रन, सो हाउ इज द लाइफ नाउ? इट्स गुड, इट्स ऑलवेज बीन गुड. सो जैसे शादी के बाद एक कहावत सब लोगों के लिए लागू है, इफ यू आर नॉट लिविंग ऑन द एज देन यू आर टेकिंग अप टू मच स्पेस. सो बेटर गेट मैरिड एंड बी हैप्पी. You have done so many movies, Suresh. हर जगह कभी हीरो का भाई है, but कहीं हीरो का sidekick है, but every time you have worked, वो एक चीज आप छोड़ के जाते हो कि मतलब everybody remembers Suresh Menon's character. I hope so. It seems they do. I've been very fortunate that I worked with some of the biggest directors. बहुत अच्छे अच्छे लोगों के साथ मैंने काम किया. प्रियदर्शन, यश चोपड़ा साहब, David Dhawan, you know, so it's been an amazing journey. You know, so जितने लोगों ने मुझे मतलब जितने सारे टीवी कैरेक्टर्स मैं किया करता था उसी से इंस्पायर होकर मैंने फिल्मों में इतनी सारी कैरेक्टर्स किया हूँ. तो आई थिंक दैट्स व्हाट मेड द डिफरेंस. इसलिए लोग मुझे ज़्यादा याद करते हैं, आई होप सो. आजकल दौर बदल गया, हीरो लोग कॉमेडी कर रहे हैं. How does it feel? Comedian ही हटा दिया, अब हीरो लोग कॉमेडी कर रहे हैं. मतलब this is not fair, right? No, thankfully, I think all comedians have got a lot of space out there now, and you know, I'm very OTT is just catching up where the comedy space is concerned. They're still into those you know, dark areas में घुसे हुए हैं. लोग एक दूसरे को मार रहे हैं वहाँ पर, एक दूसरे के ऊपर गाली बक रहे हैं. तो उस स्पेस में है OTT इस वक्त, तो आई कुड रेजिस्ट दैट. लेकिन कॉमेडी भी बहुत जल्द आई थिंक दे विल रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ कॉमेडी, बिकॉज वर्ल्ड वाइड पीपल नो दैट पीपल आर मोस्टली आइदर दे आर सर्चिंग पॉर्न या कॉमेडी. पॉर्न मतलब वो मछली के बारे में बात कर रहा हूं मैं. हां ऑफ कोर्स, प्रॉन मिसप्रोनंसी हुआ तो प्रॉन. No, a lot of people saw porn these days because Queen's Gambit came. So, yeah, they got to see pawns on the board. Yeah. I completely understand. Ajab, so, like, as you said, ki khoon kharaab ho raha hai, har koi gaali de raha hai, comedy to aayi nahi rahi OTT pe. Yahan pe andho mein kaana raja tha, Kuli number one, jisme David Dhawan ka beta bhi aaya tha. Any views on that? देखिए बहुत अच्छा लड़का है वो. That's all. He's a good boy. And the problem is you cannot do a film or replicate a film where Govinda has been a hero. Yeah. I challenge anybody to do a remake of Govinda's film and not being dissed about it, because Govinda जिस तरीके के एक्टर रह चुके हैं, मतलब इज टोटल ऑन द स्पॉट एट दैट मोमेंट, दैट स्पर ऑफ अ मोमेंट, यू नो द सेकंड दैट ही कम्स, ही वाज दैट सॉर्ट ऑफ एन एक्टर. सो ही ऑलवेज डिड समथिंग व्हिच वाज सो अनएक्सपेक्टेड. आई डोंट थिंक एनी ऑफ दीज यंगस्टर्स टुडे दे कैन एवर मैच अप टू हिम. आई डोंट थिंक इवन अक्षय कुमार कैन मैच अप टू गोविंदा. राइट, आई थिंक अक्षय विल बी द फर्स्ट पर्सन टू एग्री. ये सही बात है, सही बात है. हां मसूड़े दिखा के हंसूंगा, कॉमेडी हो जाएगी. बिल्कुल. अच्छा, सो देखो, आपने लाइफ में टीवी के लिए कॉमेडी किया है, मूवी के लिए कॉमेडी किया है, पर आपकी लाइफ में भी कॉमेडी हुई थी व्हेन देयर वाज अ मैरिज प्रपोजल. या बिल्कुल, काफी इंटरेस्टिंग था कि लाइक आई एम श्योर लॉट ऑफ पीपल इन बेंगलुरु विल एम्पैथाइज विद दिस, कि लड़की वाले आते थे लड़कों को देखने के लिए मलयाली में. नॉर्मली दिस इज अ नॉर्म. तो मेरे घर पे लड़की वाले आए थे मुझे देखने के लिए. अरेंज मैरिज की बात हो रही थी, मेरे लाख मना करने के बाद भी माँ बाप ने सोचा कि इसको लाइन पे ले आना है, यही सही तरीका है. अरेंज मैरिज का कोशिश तो करते हैं. तो लोग आए घर पे और मुझे देखा ऊपर से नीचे तक, और बाद में कहा कि लड़का करता क्या है. तो
डैडी ने कहा कि ये फिल्मों में अभी कोशिश कर रहा है, एक शो कर रहा है टीवी पर कॉल्ड इक्के पेका। और तो एक अंकल जो थे लड़की, उन्होंने कहा है व्हाट इक्के पर एक है, बकवास कर रही है। अच्छा तो फिर और क्या? फिर बोले कि मेरे बच्चे जो है एक तो एमबीए कर चुका है जॉनसन जॉनसन में काम कर रहा है, दूसरा एक एमबीए कर चुका एलएनटी में काम कर रहा है, और तीसरा जो है वो भी एमबीए कर रहा है और वो शायद मल्टीनेशनल ही ज्वाइन करेगा। तो मुझे इतना बुरा लगा उस वक्त। तो माय डैड रियलाइज आई वाज फीलिंग बैड, सो ही टोल्ड कि देखिए अभी संडे को, इस संडे को उनका शो आ रहा है, प्लीज आप जरूर देखिएगा, सो द गर्ल कैन ऑल्सो हैव लुक एट हु दिस गाइज। हाँ तो सो संडे को उस दिन एक एपिसोड किया था साजिद खान के साथ, साजिद एंड मी, ही वाज प्लेइंग अशोक कुमार एंड आई वाज प्लेइंग अ यूनक हु वाज इनसाइड अ गटर। तो अशोक कुमार में थूकता है और मैं बाहर आता हूँ, यार राजा क्या रहा तुम्हारे पर मेरा। तो आई थिंक गाना नंबर 5 तक पहुंचने से पहले ही कॉल आ चुका था कि ये लड़का, सॉरी आंटी, सॉरी लेडी, सॉरी जो भी है, इनके साथ हमें रिश्ता नहीं रखना है, कॉल इट ऑफ, मतलब ये अपना इंटरेस्ट नहीं है, कॉल इट ऑफ के वहां तक तो पहुंच ही नहीं बात। सो आई गॉट सेव्ड बाय दिस फिल्म इंडस्ट्री। All right, so now there are certain things I want to throw at you, and let's see what you have to say about that. So Joe Biden has become the new president of United States of America. And Donald Trump has taken the helicopter out and he's gone. He's gone, he's left. So Joe Biden, अच्छा है, बिकॉज मैं एक मैड लिप्स करके एक ऐप पर मेरे एक पॉपुलर कैरेक्टर मैंने इंट्रोड्यूस किया, जहाँ पे डोनाल्ड ट्रम्प की आवाज़ में जैकी श्रॉफ जैसे उनको प्रस्तुत करता हूँ। जो बेटा मेरा बिड़ू है वो अच्छा रहेगा, भगवान उसको आशीर्वाद दे और सबको संभाल कर रखे, अमेरिका विल बी ग्रेट अगेन, नॉट टू वरी। जो बाइडन मेरा बिड़ू है, मेरा बच्चा है, उसका देखभाल करना, और सॉरी एक्चुअली मेरा बापू है, वो मेरा नाना है, वो मेरा चाचा है। जो बाइडन इज आई थिंक वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्रेसिडेंट्स दैट दे हैव, एंड मैं भी चाचा जी को विश करना चाहूंगा कि काफी लंबी, लेट्स होप। या ही इज पापा फॉर एवरीवन, बट इफ दे हैव एनी मीटिंग विद इजिप्शियंस दे माइट कॉल हिम मम्मी। या जो बिड़ू अपने लिए। ओके सो वी हैव गॉट सम एक्टर्स लाइंड अप एंड वी विल टॉक अबाउट वैक्सीन। ओके सो कोविड वैक्सीन आ चुकी हैं, दो दो कोविड वैक्सीन आई हैं हिंदुस्तान में। सो इसके बारे में वी नीड सम ब्रेकिंग न्यूज़ फ्रॉम अर्नब गोस्वामी। लेडीज एंड जेंटलमैन, आई एम नॉट हियर। वेयर आर यू ऑन व्हाट्सएप? वैक्सीनेशन जरूर कीजिएगा, एंड इफ द कंट्री नीड्स इट, एवरीबॉडी नीड्स इट, यू एंड मी नीड इट, सो वी शुड ऑल टेक द वैक्सीन एंड बी सेफ, दैट्स ऑल। What would Amitabh Bachchan talk about vaccine? बस दो बार लगाइए, अपना जिंदगी का बूंद बचाइए। I forgot that. अभी मैं सोच रहा था ये अमिताभ बच्चन का मैसेज आता है ना कि कोरोना भी गया नहीं है, मास्क पहनिए, ये करिए, और लोग कहते हैं अरे यार बच्चन साहब चुप हो जाओ ना, तो इसकी जगह नाना पाटेकर को होना चाहिए था, अबे क्या कर रहा है, मास्क पहन, सोशल डिस्टेंसिंग कर, अरे जल्दी से टीका लगा, रहे तो तेरे को चिकन टीका लगा के दूंगा समझाना, और दो टका के दूंगा समझा, जल्दी लगा दे, अरे इंजेक्शन ले ले रे, ले 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 ले। या दैट वुड हैव, वहां तक पहुंच जाएगी बहुत जल्दी सिचुएशन, बिकॉज जिस तरीके से लोग जा नहीं रहे, और जो डाउट्स है, कॉन्स्पिरेसी थियोरी चल रहा है, आई थिंक उसमें उसी में एक स्क्रिप्ट पड़ा हुआ है, पता नहीं कब लोग असलियत जान पाएंगे। व्हाट वुड सैफ अली खान टॉक अबाउट वैक्सीन? Hey dude, vaccination lena chahiye, lekin you know I hope that they have everything safe dude, and I only hope that Kareena mujhe vaccination degi. Go get it. Yeah, well in house I'm safe, she's sound, so we are safe. Yeah. And sound. Better to be safe and Khan. mujhe lagta hai Javed Akhtar sahab ko bhi kuch bolna chahiye is pe. Dekhiye zindagi hai to zindagi hai, aur agar covid hai to zindagi kam hai, अगर कोविड है जिंदगी कम है तो वैक्सीनेशन लीजिए और जिंदगी बढ़ाइए, कोविड को भगाइए। डैड वी शुड गिव यू वैक्सीन बिकॉज आप जब बोलते हैं तो थूक सबसे ज्यादा आप ही का निकलता है। बिल्कुल, तो ऐसे वैक्सीनेशन दे रहे हैं मुझे कि जब भी मैं बात करूंगा लोग खुद पर खुद हील हो जाएंगे, तो वो वैक्सीनेशन से थूक भी बाहर ज्यादा आएगी। या
एंड वी विल मेक अ न्यू मूवी कॉल्ड ईल एंड रांझा। ये बिल्कुल, और उसको मैं लिखूंगा गाना, एक लड़की एक वैक्सीन को देखा तो ऐसा लगा। आई मीन दैट्स गोना बी फैंटास्टिक इन माय नेक्स्ट मूवी। यू शुड डू समथिंग विद कंगना एंड मी बिकॉज आई एम लाइक वैक्सीन, शी इज लाइक कोरोना। Very nice, very nice. very difficult voice, Hrithik Roshan's voice to get it right. No, I know. It's a very strange mix between Ishant Sharma and a guy who speaks from the chest. Hi there, I'm Hrithik Roshan. I'm a Mohita guy, but I still sound like Ishant Roshan, not Hrithik Roshan. So I tried the Koi Mil Gaya one, and then ek ye lekar aaya. I mean, it's just fantastic. And learning from other mimic artists. You're a master, man. Tuhin, why are you fooling people? I'm not... master ke saamne to main baitha hoon. Master ji to aap ho. Arre, master ji, hum sab ke baap hain, Johnny Lever saab. Of course. Kabhi mauka mile to please unse baat karke. The things that he knows, it's about an art form. We still do it for a lot of fun and we make fun of people. But when Johnny Lever talks about it, it's about like... it's an art form, completely art form. What do you have to say about stand-up comics? Like, what does it take to be a good stand-up comedian? See, I've been seeing recent times the type of comedy, in the name of comedy, that has been put out. Yes, I think now stand-up has gone to the route that they feel they are the flag torch bearers of the society, and they're trying to put out their views in a funny manner and mostly against the government and people in power. So I don't want to diss them. If that works for them, it's their life. I don't want to be the uncle who's telling them this is not the way. But I feel, but at the same time, there are some wonderful stand-up comedians like Amit Tandon and all, who are like simply brilliant. You know, I'm going for a show to get entertained. I'm not going to hear a sermon. I want to be entertained. See, look at the same way where R.K. Lakshman did those cartoons. They were actually a great comment on the society. Itni khoobsurati se wo karte the ki mujhe lagta tha ki us type ka satirical comedy dekhna ya yahan par aana bahut mushkil hai. Like keeping it clean, basically. Keeping it clean. Aur Hindi mein dekhiye, Hindi mein especially hum bhool chuke hain ki Hasya Kavi Sammelan hua karta tha. Itni khoobsurat kavita, I don't remember them, but they're really wonderful, satirical, and it was a comment on the society, on the political situation in the country at that time. But it never made me feel, chalna, bahut ho gaya, gaali kyun de rahe. But the comments were similar. The comments had a thought to it, but nobody used unparliamentary language against any leader of the country. Now see, people may love Congress, people may not like BJP, people may like BJP, people may not like Congress, you know, but I feel at end of the day, when you look at the history of our country, everybody has contributed. After some time, I think everything became about how many people have liked my tweet, see, how many people have retweeted. It's only about that. I don't think anybody actually means to clean the society or to do something worthwhile. Sabka yehi padha ki bhai Facebook mein kitne... इतने लाइक्स आ गए, अरे यार मेरा कंट्रोवर्सी हो गया, मुझे तो अभी चार शोज और मिल गया, अरे भाई मेरा तो ये चल रहा है आजकल, नो भाई अरे मैंने उनके ऊपर बात कर दिया तो ये हो गया, नो तो आजकल वो हो रहा है एक ट्रेंड, लेकिन देयर आर सम पीपल हु आर सो ब्रिलियंट एंड आई थिंक व्हाट इट टेक्स इज टू हैव एन आई फॉर डिटेल्स, कैरेक्टर्स कैसे पकड़ना है, लाइक जॉन लीवर हैज बीन अ मास्टर एट डूइंग कैरेक्टर्स, ऑब्जर्वेशनल कॉमेडी ऑलवेज वर्क्स एंड सुपर क्लीन, राजू सुपर क्लीन. You can go below the belt. There's no hassle. There's no problem. There's don't. I'm not being a prude over here, but you can go below the belt. But after them, it's just there is. But fortunately, there is so much of variety today. It's difficult to choose. For me, what works is subtlety and observation. That really works for me all the time. So good insight for stand-up and bajao from the master himself, Suresh Menon. Okay, now to wrap it up, we can quickly talk about a topic. And one actor, whoever comes in our head, one character, whoever comes in our head, we can just go on it. There's a guy who didn't take bath for 63 years. That's a good one. Okay, let's do that. It's also non-controversial. Yes. Okay. First person, go for it. Hey, wow. 63 साल के लिए तुमने नहाया नहीं. Hey, 63 मतलब 73 या 63. Hey, wow. मजा आ गया. कितना पानी बचाया होगा?
पानी तो इन्होंने बहुत बचाया, लेकिन आपके लिए बस दो बूंद जिंदगी के काफी है। आए अब जाके दो शॉट जिंदगी के। अहिला, ये एम्पायर तो नहीं था, मुझे तो लगता है स्टीव बकनर ही होगा, बिकॉज़ एवरी टाइम ही रेज़ हिज फिंगर ही रेज़ अ स्टिंक रे। मुझे तो लगता है कि इसको और नहाना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ये और नहा लिया तो इसकी आत्मा भी तृप्त हो जाएगी और इसके दाने दाने में केसर का दम नहीं रहेगा। दाने दाने में केसर का दम होना चाहिए, क्योंकि अत्ता माची सटकली। देखो बेटा, सिंगम आया था उसका सटकली, बीच में मुझे हर्निया हुआ था, जब डॉक्टर ने बोला तुम्हारी भी सटकली। आई मीन टेकिंग बॉथ आफ्टर 63 इयर्स विल बी ब्रेकिंग हिज ओन रिकॉर्ड, व्हाई डू यू वांट टू ब्रेक इट? I mean, you should just go to your father and say, आपने कहा था ना अपने पापा को लेकर आओ, मैं अपने पापा को लेकर आया हूँ, आप इनको नहला दो, मुझे मत नहलाओ। हाँ, सबसे पहले मुझे ये पूछना आपसे, अगर इस बंदे ने 63 वर्षों के लिए नहाया नहीं है तो ये आपने इसको देखा कैसे? उसके ऊपर इतनी धूल मिट्टी हुई होगी तो ऐसे लग रहा है चलता फिरता दीवार है। कौन है ये बंदा? कहीं ये मेरा बेटा बॉबी तो नहीं? आपका बेटा बॉबी नहीं, आपका बेटा सनी है, क्योंकि ये मजदूर का हाथ है डैडी। लोहा पिघला के आकार बदल देता है, इसी हाथ से मैंने उसके शरीर की सारी धूल झाड़ दी और उसको देख लिया। That's very nice, but one more. देखिए, मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगा कि मैं ठाकुर साहब हूँ और 63 साल पहले रामलाल गुजर गए, उसके बाद से आज तक मैं नहा नहीं पाया हूँ। बेड़ो अच्छे से नहाने का, सुबह को नहाने का, दोपहर को नहाने का, शाम को नहाने का, याद रखिएगा। अगर नहीं नहाया तो प्लीज मेरे पास मत आने का पास बेड़ो, क्योंकि तुझे सब लोग बासमासुर बोलेंगे। और अगर फिर भी मन नहीं कर रहा तो शंदीजरा तेल लगाने का। देखिए साहब, अगर आप नहीं एब्सोल्युटली देखिए साहब, अगर आप नहीं नहाना चाहते हैं तो आप मेरे सामने आ जाइए, और अगर आप मेरे सामने आएंगे तो मेरे लफ्जों से, मेरी आवाजों से, जो अंदर से थूक निकलेगा उससे आप वैसे ही ना लेंगे, आपका रिकॉर्ड टूट जाएगा। नहीं बिल्कुल सुनाई दे रहा आपको बिल्कुल साफ कर देता हूँ सर। इतना सुनाई दे रहा कि आप जब जूम कॉल पे नहीं उधर अटका ही नहीं, सामने ही आ गया। इसके लिए जावेद साहब कभी जूम कॉल करते नहीं है, जूम के थ्रू भी उनका थूक चला जाता है। On that note, thank you so much Suresh Menon for joining us. Last thing, what do you have to say about stand up and bajao? Red FM का ये जो मुद्दा रहा इतने सालों से, बजाओ is one of the most brilliantly coined word. The way Red FM has always stood up for anything that is good for their city has always been bajao. That's why Red FM हमेशा बजाते रहो, बजाते रहना, and stand up and बजाओ is a good thing. Whatever problems you have, please call up Red FM and talk to them about it. They'll definitely put it on air and help you talk to the correct persons in charge also. That's what's been happening in Mumbai for such a long time. So, and Suresh Super, it's 93.5 Red FM. बजाते रहो, तुतुर तुतुर तुहिन के साथ. Red FM 93.5.